मथुरा की गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आने वाले कृष्ण एवं राधा रानी के लीला स्थल को केआरएस ग्रुप द्वारा सैनिटाइज कराया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए केआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन एवं समाज सेवी जय प्रकाश त्यागी ने बताया कि जनपद में करीब 12 गांवों को सैनिटाइज कराया जाएगा। इस दौरान जय प्रकाश त्यागी एवं पूर्व एमएलसी लेखपाल द्वारा नंदगांव में कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया और कोरोना योद्धाओं को सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क एवं बचाव की सामग्री देकर उनका आभार भी व्यक्त किया। साथ ही सफाई कर्मियों के लिए राशन किट भी बांटी। गांव को सैनिटाइज करने के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने बरसानी से किया था, जिसके तहत समाज सेवी जय प्रकाश त्यागी द्वारा कई गांवों को सैनिटाइज कराया जाएगा। कोसी में 15-20 दिन पहले जो अपना जो हॉस्पिटल है लाइफ लाइन, तो उसकी मैंने न्यूज़ सुनी थी, मुझे भेजी थी, रजनी जी ने भेजी और किशन जी वगैरह इन्होंने भेजी, तो उसमें ये था कि वहाँ डॉक्टर साहब पॉजिटिव निकले और उसमें कई गांवों की लिस्ट थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बरसाना आया तो बैठ के बात हुई, तो ये डिसाइड हुआ कि जितने भी आसपास के गांव हैं उन सबको सैनिटाइज कराया जाए। तो उसी दिन हमने सैनिटाइज़र मंगाया और सैटरडे को अपना बरसाना पूरा सैनिटाइज कराया। उसमें वहाँ पे जो जितने भी सफाई कर्मचारी थे वो आज की डेट में बहुत मेहनत कर रहे हैं। पत्रकार बंधु हमारे जितने कि एक छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर को वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और पुलिस स्टाफ और डॉक्टर पूरा स्टाफ उन सबका स्वागत हुआ। और उस दिन सफाई कर्मचारियों को एक राशन भी वितरित किया गया। ऐसे ही आज नंदगांव से पहले हमने संकेत को भी पूरा सैनिटाइज कराया है, और आज नंदगांव पूरा सैनिटाइज होगा और यहाँ भी सफाई कर्मियों को उनका स्वागत किया, क्योंकि वो इस टाइम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी जान की परवाह न करते हुए।